नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है, जिसमें कांग्रेस के बागी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 22 विधायक 10 दिन से बेंगलुरु में हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस अब बागियों को मनाने की कोशिश में है। इसके लिए बुधवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार के कुछ मंत्री बेंगलुरु पहुंच गए, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें रमादा होटल के बाहर ही रोक लिया, जिसके बाद सभी कांग्रेस नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत करीब 10 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। इन नेताओं को अमृता हली थाने ले जाया गया है। दिग्विजय ने कहा कि अब वे थाने में भूख हड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस की इस कार्यवाही को हिटलर शाही बताया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन विधायकों से मिलने बेंगलुरु जाऊंगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस हमें विधायकों से मिलने नहीं दे रही है। वह मध्य प्रदेश का राज्यसभा उम्मीदवार है। 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग होनी है। हमारे विधायकों को यहां होटल में बंधक बनाकर रखा गया है। वे हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं। भाजपा नेता अरविंद भदौरिया और कुछ गुंडे अंदर है। विधायकों की जान को खतरा है। मेरे पास हाथ में ना बम है, ना पिस्तौल, ना ही कोई हथियार है, फिर भी पुलिस मुझे क्यों रोक रही है? मुझे मिलवा दे, उसके बाद चला जाऊंगा। इसमें क्या परेशानी है, आप भी सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बीजेपी का यहाँ पे सुदर्शन गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी का, अरे भाई बीजेपी के वालों ने हमारे कांग्रेस के एमएलए को क्यों पकड़ रखा है? सरकार हमारी कांग्रेस की है, जनता ने हमको चुना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको पकड़ के क्यों ले आई? सर उनको कुछ पैसा किसा दे के लेके आया उनको, ऐसा ये जब तक मिलेंगे नहीं जब तक कैसा भाई उनसे मिलने से पता तो लगे। हमारे एमएलए को ये फोन कर रहे, हमारे तो वीडियो क्लिप्स है, ठीक है, ऑडियो क्लिप्स है, 5 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, इसकी वीडियो क्लिप्स है। एमएलए ने बयान दिया है, वो उनको ऑलरेडी पैसा देता करके ऑफर किया है लोगों ने। हमारे अनेक एमएलए जिन्होंने पब्लिक में कहा है, मनोज चावला ने बोला, नीरज दीक्षित ने बोला है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। ठीक है ठीक है, अभी क्यों नहीं छोड़ रहे सर आपको? आप रिक्वेस्ट नहीं किया, उनको लेटर नहीं दिया आपने इनको, पुलिस लोगों को? अरे लेटर अभी लिख देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं अकेला आदमी हूँ, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अकेला ले जाए, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उनकी जान को खतरा नहीं है, तो मुझे मिलने को क्यों रोका जा रहा है? आप कितना टाइम से इधर रुका है सर? आप यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, एक घंटा हो गया। पकड़ रखे सर, आपका शुभ नाम? कांतिलाल भूरिया, एक्स मिनिस्टर, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर दिग्विजय जी। आपका शुभ नाम? चौधरी, एमएलए। आपका शुभ नाम? आरिफ मसूद, एमएलए। मैं हर्ष यादव, मिनिस्टर हूँ मध्य सरकार में, एमपी सरकार में, एमपी सरकार नहीं, 6 मिनिस्टर है अभी साथ में, तरुण मानव जी। आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह किस तरह से भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस हिरासत में कहा कि बेंगलुरु में तो भाजपा की सरकार है, पुलिस भी उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है, मुझे तो भाजपा के राज में भी उनकी पुलिस के बीच डर नहीं लग रहा। लेकिन भाजपा नेताओं को किस बात का डर है? क्या वे खुद अपनी पुलिस से डर रहे हैं? मैं यहाँ गांधीवादी तरीके से अपने विधायकों से मिलने आया हूँ, उम्मीद है कि वे जल्द लौट जाएंगे। 5 विधायकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बंधक होने की जानकारी दी। होटल में 24 घंटे पुलिस का पहरा है, विधायकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं कांग्रेस के बागी सिंधिया समर्थक विधायकों ने दिग्विजय सिंह से मिलने से इनकार कर दिया है। विधायकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है, हम उनकी वजह से भाग कर यहां आए हैं, हमें दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना। दिग्विजय सिंह इन विधायकों से मिलने बेंगलुरु गए हैं, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आप भी सुनिए बागी सिंधिया समर्थक विधायकों ने वीडियो वायरल कर क्या कुछ कहा, आप सुनिएगा। मैं तुलसीराम सिलावट, विधानसभा क्षेत्र 211 सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था। हम लोग स्वयं की इच्छा से बेंगलोर यहाँ आए हैं। मेरे सुनाई में भी आया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं बेंगलोर कर्नाटक की पुलिस से यह अनुरोध करता हूं, हमको कांग्रेस के या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलना, हम स्वतः हमारी इच्छा से आए हैं।
और बेंगलोर की पुलिस से यह अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करें। मैं इमरती देवी डबरा विधानसभा से विधायक हूं, ग्वालियर जिले से। मैं कांग्रेस पार्टी में महिला बाल विकास मंत्री रही, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि बेंगलोर में दिग्विजय सिंह अपने साथियों को लेने आए हैं, लेके आए हैं हमको, हमसे मिलने को। लेकिन हम मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भागे हैं, उनके वजह से हम यहाँ आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी। लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है। और मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूँ कि हमारी सुरक्षा करें और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। गोविंद सिंह राजपूत, हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हुए और सारे विधायक स्वेच्छा से हैं। सुबह पता लगा हम लोगों के लिए कि दिग्विजय सिंह जी कुछ मंत्रियों के साथ आए हैं, वो गेट पर अनावश्यक लोगों से कह रहे हैं कि हमको मिलना है। जब विधायक जी विधायक कोई मिलने नहीं चाहते तो उनको मिलने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं समझना चाहिए। मैं ओपीएस भदौरिया, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12, महगांव, जिला भिंड। मैं अपनी मर्जी और स्वेच्छा से यहाँ हूँ। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ अपने साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, उनकी वजह से ही हमारी पार्टी की ये हालत हुई है। मैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, विधानसभा क्षेत्र मुंगावली 34, जिला अशोकनगर। अभी टीवी के माध्यम से जानकारी मिली थी कि दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश के बहुत से नेता हमसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम ना दिग्विजय सिंह जी से और ना मध्य प्रदेश के कांग्रेस के किसी भी नेता से हम मिलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं और बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी स्वेच्छा है कि हमको क्या करना नहीं किया, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर रह रहे हैं और हम किसी भी नेता से, कांग्रेस के से नहीं मिलना चाहते। मैं कमलेश जाटव, विधानसभा अम्बा से हूँ। हम लोग बेंगलोर में आए, अपनी स्वेच्छा से आए हैं और अपनी स्वेच्छा से ही जाएंगे। और ये बताया गया है कि आज कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता और मंत्री वगैरह जो आए हैं, मेरा तो ये कहना है कि अब ये फालतू का परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों आ रहे हैं? ये सारे हमारे जो एमएलए हम लोग आए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, अपने दुख और पीड़ा के वजह से हम लोग आए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता का कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे, एक साल से हमारा बिल्कुल विश्वास टूट चुका, हम पब्लिक में जाने लायक नहीं रहे। इस वजह से मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता आए हैं वो वापस चले जाएं, यही मेरा कहना है। हम लोग यहाँ बेंगलोर में रुके हुए हैं, विधायक साथी हमारे साथी हम भी। मुझे अभी पता लगा है कि मध्य प्रदेश से कुछ कांग्रेस के नेता, दिग्विजय सिंह जी और भी अन्य नेता यहाँ आए हुए हैं। हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं, किसी के कोई दबाव में नहीं रुके हैं और हम लोग बिल्कुल भी उनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैं दल सिंह कंसाना, MLA, सुमावली, जिला मुरैना। हम लोग अपने मर्जी से स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं। हमें अभी कुछ लोगों के माध्यम से ये पता लगा है कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ नेता, माननीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे माननीय कुछ विधायक साथी आए हुए हैं। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। एक साल से हमने काफ़ी बात सब लोगों से कर ली और एक साल से जब इनने हमारी नहीं सुनी तो अब एक दिन में ये क्या सुन लेंगे हमारी बात। मैं रक्षा संतराम सरोनिया, भांडर विधानसभा से, विधानसभा 21। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ यहाँ और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं दिग्विजय सिंह से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हूँ कि उन्हीं के कारणों से तो आज कांग्रेस में ऐसा हुआ है जो वो अपनी मनमानी कर रहे थे। मैं जतपाल सिंह जत्ती, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ और पिछले 10 तारीख को मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुका हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी को और अपनी स्वेच्छा से मैं वर्तमान बेंगलोर में हूँ। आज सुबह मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि हमारे मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, तो वो हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोग, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह जी से नहीं मिलना चाह रहा क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ हूँ और मेरा निवेदन ये है कि यदि केंद्रीय रिजर्व पुलिस हमको प्रोटेक्शन दे, यहाँ की सरकार से निवेदन है कि हमारी सुरक्षा करें, हम किसी भी कांग्रेसी लीडर से। आपने सुन लिया कि विधायक क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से जाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं लेकिन अब ये फालतू क्यों परेशान हो रहे हैं?
उन्होंने आरोप लगाया है कि ये नेता क्षेत्र की जनता का कोई काम नहीं कर रहे थे। वहीं दिग्विजय के अलावा मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हर्ष यादव, विधायक कांतिलाल भूरिया, आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी भी बेंगलुरु गए हैं। यहाँ पहुंचने पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिव कुमार उन्हें लेने पहुंचे थे। शिव कुमार ने येदियुरप्पा सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी भी अपनी रणनीति है। मौजूदा हालात में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता यहाँ अकेले नहीं है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। हम चाहते हैं कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे। बेंगलुरु में होटल में रह रहे सभी 22 विधायकों ने बेंगलुरु पुलिस को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि वे कांग्रेस के किसी भी नेता से मिलना नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस के करीब 70 विधायक राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने राजभवन पहुंचे। कांग्रेस ने बेंगलुरु में मौजूद बागी विधायकों को भोपाल लाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले मंगलवार शाम को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। इसमें भी उन्होंने बेंगलुरु से विधायकों को वापस लाने की अपील की थी। इस दौरान राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी भी की। राज्यपाल को सौंपे गए कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया कि बेंगलुरु में भाजपा ने कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक बनाकर रखा है। इन्हें मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आपसे निवेदन कर चुके हैं। बुधवार को बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह समेत कुछ विधायक वहां पहुंचे। वे वहां राज्यसभा उम्मीदवार होने के नाते बातचीत करना चाहते थे। यह दिग्विजय सिंह का अधिकार भी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया। सभी कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस के सभी विधायक आपसे मांग करते हैं कि बेंगलुरु में बंधक सभी 16 साथियों को मुक्त करवाया जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेंगलुरु में ठहरे विधायकों के भोपाल आने पर पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। इसके बावजूद वे यहां से चाहे सुरक्षा ले सकते हैं, सरकार को आपत्ति नहीं है। वहीं प्रियव्रत सिंह ने कहा कि जब 107 भाजपा के विधायक मध्य प्रदेश की धरती पर सुरक्षित हैं, तो ये 16 विधायक सुरक्षित क्यों नहीं रहेंगे। इससे पहले होटल मैरियट से विधायक 2 बसों में बैठकर राजभवन पहुंचे। कांग्रेस विधायक पिछले 4 दिन से मैरियट होटल में हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों खेमे की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी होटल पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। इससे पहले होटल से बाहर निकलने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने बातचीत में कहा कि बेंगलुरु में विधायकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, वे जब भी यहां आएंगे हमारे साथ ही खड़े नजर आएंगे। दोपहर बाद होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्यपाल महोदय से आज मिले और हम लोगों ने उनको अपना पक्ष रखा है और उनसे कहा है कि वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सरकार से विधायकों को बंधक न बनाए। वीडियो जारी किए, हत्या नहीं होना चाहिए, वीडियो जारी किए, बोले मिलना नहीं चाहते। उन लोगों ने वीडियो जारी किए हैं और कहा कि मिलना नहीं चाहते।